आज वीडियो बना रहे हैं कंसील ओवर का, बॉक्स फिक्सिंग कैसे किया जाता है विला के अंदर। आप ये देख सकते हैं कि पहले लेवल लेकर, लेवल यहाँ पे दिख रहा है रेड कलर का, लेवल लेकर मेन लेवल है वहाँ से लेवल लेकर फिट हो जाता है ये प्लाई, प्लाई ठोका जाता है। प्लाई ठोकने के बाद इस पर स्पीड लेवल से रख के प्लाई को, प्लाई को स्ट्रेट में ठोका जाता है। फिर उस पर ये बॉक्स फिक्सिंग किया जाता है। ये वाल से बॉक्स की 20 सेंटी का यानी 200 mm का दूरी है, यहाँ इस कॉर्नर से बॉक्स का कॉर्नर तक 20 सेंटी का। सेम उसी तरह इधर भी है, एक बॉक्स फिक्स हुआ है स्विच बोर्ड के लिए, सेम वही प्रोसेसर है फिक्स करने का। प्लाई ठोक के पहले लेवल लेकर फिर लेवल पे प्लाई ठोक के और फिर उस पर स्पीड लेवल से प्लाई को लेवल किया जाता है, फिर उसके बाद बॉक्स फिक्स किया जाता है। इधर भी सेम वैसे ही है बस, बट इधर आपका दो बॉक्स है MS का और वो भी लेवल लेकर आपको लगाया गया है। बिल्कुल सीधा लगाना है स्पीड लेवल लेकर, इसको चेक भी करना होता है क्लाइंट के, क्लाइंट अगर चेक करता है कि आपका लेवल सही है या नहीं है। ये स्विच बोर्ड के लिए है, ये बेडरूम के अंदर का है, इसमें 3 दिख रहा है आपको MS बॉक्स। इसका इसका भी लेवल लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा रेड कलर का, यहाँ पे यहाँ फटी को उखाड़ दिया है, लग गया है, लगने के बाद उखाड़ दिया है फटी। ये भी तीनों लेवल में लगा हुआ है, यहाँ पे एक पावर टीवी और एस लग यानी डेटा का आएगा, इसलिए 3 है यहाँ पे। और दूसरा ये है, यहाँ पे दो बॉक्स है, यहाँ पर भी सेम वैसे ही लगा हुआ है लेवल लेकर। कंसील वर्क में यहाँ पे कभी कहीं होता है ना कि ऐसे फिक्स कर देते हैं, सेंटर नहीं देखते या लेवल नहीं निकालते, लेकिन यहाँ पे हम लोग पहले लेवल वाटर लेवल से लेवल लेते हैं और लेवल लेकर ये जो रेड कलर का दिख रहा है आपको मार्क, इस पर हम स्पीड लेवल लेकर फटी ठोकते हैं, फिर फटी स्पीड लेवल करके फटी को फिर उस पर बॉक्स बैठाया था और इसमें ये सीमेंट वगैरह मसाले मिलाते हैं और इसको फिक्स कर देते हैं। और यहाँ पर भी सेम उसी तरह लेवल लेकर उस स्पीड लेवल से ऐसे लगाते हैं। आपको ये रेड कलर का लेवल दिख रहा है जो पैंट के थ्रू मिला हुआ है कंस्ट्रक्शन वर्क का, उससे हम लेवल लेते हैं स्पीड लेवल। फिर उसका जो मेजरमेंट होता है फ्लोर लेवल से, उसका हम लेवल लेते हैं, यहाँ से हमको कितना डाउन लेना है उसी के हिसाब से हम फिर स्पीड लेवल लगाते हैं और फटी ठोक के बस फिक्स करते हैं। जे बॉक्स को हम फिक्स करते हैं, सेम इस रूम में भी उसी तरह है। मैंने इधर कहीं भी अगर बॉक्स फिक्स होता है विला के अंदर यूवी में, तो पहले हम लेवल लेते हैं जो कंस्ट्रक्शन लेवल है उससे पहले हम लेवल लेते हैं, फिर उसके बाद आपका स्पीड लेवल लेकर फटी ठोकते हैं, फिर बॉक्स सीधा करके बॉक्स फिक्स करते हैं। अभी तो देखिए पाइपिंग हो गया है, ये पावर का पाइपिंग है, यहाँ पे जितने भी पावर या 30 लाख का है, डाटा का है, या आपको ये दिख रहा है यहाँ पे टेलीफोन का या टीवी का, ये सब फ्लोर पाइपिंग से होकर जाएगा, इसलिए हम लोगों ने बैंड करके बैंड मार के लगाकर छोड़ दिए हैं ताकि फर्श होने से पहले हम इसको डीवी से मिला सके, जो मेन डीवी है इलेक्ट्रिकल का और टीवी का पाइपिंग का उसका सब हम मिला देंगे। और यहाँ पे देखिए ये सेम स्विच बोर्ड पे लगा हुआ है, ऐसे स्विच लगा हुआ है, तो ये रेड कलर का दिख रहा है, ये भी लेवल लेकर हम लोग इस वाटर लेवल से लेकर इसको स्पीड लेवल लगाकर फिर फटी ठोके फिर उसके बाद बॉक्स लगाएं। जो भी कोई नया बंदा अगर यूवी में काम करने आ रहा है उसके लिए जानकारी बहुत जरूरी है कि कैसे यहाँ पे कंसील वर्क होता है और बॉक्स कैसे फिक्स करते हैं। यहाँ पर भी दिख रहा होगा आपको एक स्विच बोर्ड का बॉक्स फिक्स हुआ, जे बॉक्स वहाँ, यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर वही है, यानी टोटल जो भी बॉक्स लगेंगे स्विच बोर्ड का, पावर का, टीवी का, डेटा का, सेम ऐसे ही प्रोसीजर रहेगा आपको। विदाउट लेवल कोई बॉक्स नहीं लगेगा, जे बॉक्स कोई नहीं लगेगा, क्योंकि क्लाइंट चेक करता है अगर स्विच लेवल से लेवल नहीं हुआ फिर उसको कैंसिल करना पड़ता है, फिर से लगाना पड़ता है। ओके, इधर लोबी में भी सेम वैसे लगा हुआ है, लोबी में वैसे फटी ठोके आपको पहले बताएंगे स्पीड लेवल लेकर फिर उसके हिसाब से लगाते हैं स्पीड लेवल सेंटर। और ये वाल से क्लाइंट का जो डिमांड था कि यहाँ ड्रॉइंग एज पर ड्रॉइंग कि हाँ इस वाल से बॉक्स का कॉर्नर 200 mm यानी 20 सेंटी होना है मांगता है। ओके, इधर भी सेम ही है, ये वाशरूम का स्विच बोर्ड है, ये वाशरूम है और इसका ये स्विच बोर्ड है, सेम वही प्रोसीजर लगाने का फिक्सिंग करने का कंसील वर्क में बॉक्स, जे बॉक्स का फिक्स करने में। आपको यहाँ पर भी रेड कलर से आपको मार्क हो रखा है दिख रहा है आपको और बॉक्स भी फिक्स हुआ है। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि बॉक्स को कितना बाहर रखना है, क्योंकि प्लास्टर का लेवल भी ज़्यादा है कि कम है, वो तो क्लाइंट लेवल लगाता है, जैसे ये लेवल लगा दिया उसने, तो हमें बॉक्स इतना रखना है कि ज़्यादा अंदर ना चला जाए। तो हमें ये फट्टी जो दिख रहा है फट्टी से 2 सेंटी 3 सेंटी अंदर रखना है आपको, फिर उसके प्लास्टर के लेवल में आएगा। हम लोगों ने पूरा लेवल लेकर तो बॉक्स लगा रहे हैं, क्योंकि उस टाइम में जब प्लास्टर और क्लियर फाइनल होता है तो फिर स्विच वगैरह लगाने के लिए हमें दिक्कत होता है, ज़्यादा अंदर होता है फिर टाइम में दिक्कत होता है। ये रूम का स्विच है, यहाँ पर सेम वही प्रोसीजर है लगाने का, सेम वैसे ही लेवल लेकर लगाने। ये लेवल है कंस्ट्रक्शन लेवल, ये यहाँ से हम लेवल उठाते हैं, लेवल लेकर फिर हम यहाँ पे अक्सर फिक्स किए हुए हैं। लेवल आपको दिख रहा है स्पीड लेवल से हम लोग लेते हैं, फिर उसके बाद इसको बॉक्स फिक्स करते हैं। जे बॉक्स भी पाइपिंग हो रहा है हम लोग, फ्लोरिंग पाइपिंग होगा उस टाइम में वीडियो बना के डालेंगे, फ्लोरिंग पाइपिंग के लिए कैसे फ्लोरिंग पाइपिंग होता है, इधर ज्वाइन करेंगे। इधर भी सेम है, उसी तरह बॉक्स फिक्स हुआ है, इधर भी पाइपिंग हो रहा है, और आगे वाले वीडियो में बताएंगे कि यहाँ मेन डीवी जो है वो कैसे फिक्स करते हैं, और टीवी का कनेक्शन बॉक्स और आपका डेटा का कनेक्शन बॉक्स वो कैसे फिक्स करते हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम बना कर डालेंगे। गाइस लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको और वीडियो आगे बनाकर भेजें, खास करके न्यू इलेक्ट्रिसियन जो गल्फ कंट्री में आ जाता है उसके लिए ये बहुत जरूरी है।